IPL एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को अपना दीवाना बनाने के लिए तैयार है। IPL की शुरुआत कुछ समय में होने जा रही है। यह IPL का 13वां सीजन होगा। IPL 13 का पहला मैच दो दिग्गज टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों, आज आपको हम IPL 13 के पहले मैच में खेल रही दोनों टीमों के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, सबसे पहले दोनों टीमों की बात करें तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी जहां रोहित शर्मा के हाथों में है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में होगी। रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस अब तक 4 बार IPL ट्रॉफी उठा चुकी है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी 3 बार अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को कप जिता चुके हैं। इन दोनों टीमों की आपसी भिड़ंत की बात करें तो मुंबई और चेन्नई अब तक 30 मैचों में आमने सामने हुई हैं। इन 30 मैचों में मुंबई चेन्नई 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ी थी, जबकि 28 बार IPL में खेलती दिखी हैं। इन मैचों में देखें तो मुंबई का पलड़ा काफी भारी रहा है। मुंबई ने चेन्नई के खिलाफ 18 मुकाबले जीते हैं, जबकि चेन्नई के नाम पर महज 12 जीत हैं। इन दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 मैच देखें तो इनमें से 8 मैच MI ने ही जीते हैं। IPL 12 में MI ने CSK को फाइनल समेत कुल 4 मैचों में हराया था। इस तरीके से यहां मुंबई का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। ओपनिंग की बात की जाए तो किसी भी टीम के लिए ओपनिंग काफी मायने रखती है। IPL 13 के पहले मैच में खेल रही दोनों टीमों में देखें तो कई बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। पहले मुंबई इंडियंस के ओपनर्स की बात करें तो मुंबई के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक करेंगे। ये दोनों कितने बड़े खिलाड़ी हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। मुंबई की ओर से चेन्नई के खिलाफ सबसे सफल बल्लेबाज रोहित शर्मा ही रहे हैं। रोहित के नाम 646 रन दर्ज हैं। वहीं चेन्नई के लिए देखें तो चेन्नई के पास कई विकल्प मौजूद हैं। CSK के लिए पारी की शुरुआत में एक छोर से सैन वॉटसन करेंगे तो उनके साथ अंबाती रायडू हो सकते हैं। रायडू ने अब तक MI के खिलाफ 437 रन बनाए हैं। अगर रायडू को छोड़ दें तो इनके अलावा भी चेन्नई के पास मुरली विजय के रूप में भी कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। फॉफ डू प्लेसेस भी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मिडल ऑर्डर, जबकि मुंबई के लिए मिडल ऑर्डर में देखें तो MI ने नीलामी में क्रिस लीन को खरीद कर अपनी ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ाई है। इनके अलावा मुंबई के पास मिडल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या के रूप में जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं। करुणाल पांड्या भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मिडल ऑर्डर में उनकी सबसे बड़ी ताकत सुरेश रैना रहने वाले हैं। MI वर्सेस CSK मुकाबले में अब तक के सबसे सफल बल्लेबाज रैना ही हैं। इनके नाम MI के खिलाफ 730 रन दर्ज हैं। रैना के अलावा अगर रायडू पारी की शुरुआत नहीं करते हैं तो मिडल ऑर्डर में यह भी जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी भी जबरदस्त विकल्प मौजूद हैं। धोनी भी MI के खिलाफ 627 रन बना चुके हैं। रविंद्र जडेजा ड्वेन ब्रेवो के रूप में टीम के पास बड़े खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी की बात आती है तो मुंबई के पास फिलहाल दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मौजूद हैं। सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए काफी बड़ी ताकत हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा मुंबई के पास लसित मलिंगा मौजूद हैं। MI के लिए चेन्नई के खिलाफ सबसे अधिक विकेट मलिंगा ने ही कुल 37 विकेट लिए हैं। वहीं मिशेल मैकलिंगन, नाथन कूल्टर नाइल, ट्रेंट बोल्ट, धवल कुलकर्णी जैसे जबरदस्त गेंदबाज मुंबई में हैं। इसके अलावा करुणाल पांडे और हार्दिक पांड्या के रूप में भी जबरदस्त खिलाड़ी मुंबई के पास मौजूद हैं। चेन्नई की गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाज के रूप में चेन्नई के पास ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जोश हेजलवुड हैं। सैम करण को भी इस बार चेन्नई ने खरीद कर अपनी ताकत बढ़ाई है। बता दें कि पिछले सीजन में सैम करण पंजाब के लिए खेल चुके हैं और हैट्रिक भी हासिल किया था। इनके अलावा दीपक चाहर भी हैं, वह CSK के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। वहीं स्पिन विभाग में चेन्नई खासा मजबूत नजर आता है। इसके पास रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, पीयूष चावला जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। हरभजन सिंह भी चेन्नई के लिए काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आंकड़ों में भले ही मुंबई इंडियंस चेन्नई से आगे हो, लेकिन दोनों टीमों पर नजर डालें तो कोई किसी से कम नजर नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक जबरदस्त मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और क्रिकेट से जुड़ी जानकारी लगातार पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।